चलिए दोस्तों, मैं सिखाती हूँ, बताती हूँ स्कूटी कैसे चलाते हैं। चावल चढ़ चुके हैं। ये है किचन वाला सौदा। और ऐसी ना भगाऊंगी से तो चला लूंगी। स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों मौसम ठंडा है, बारिश हो गई थी, तो सोचा आज स्कूटी चलाना सीख लेते हैं। आज हिना आई है स्कूटी सीखने, मैं भी आई, मैं भी सीखूँ, क्योंकि परेशानी रहती है कहीं जाने आने में। छोटा मोटा कुछ काम कर लें तो अपने आप चले जाए और आ जाए। चलो शाम का नज़ारा दिखाता हूँ हमारे खेतों का। ये हमारे खेत हैं, इस समय बरसात का सीज़न है तो कितनी हरियाली है और सूरज कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर है। और अब नीतू चलाएगी स्कूटी। हॉपलेस मत करियो, मैं अपने आप चलाऊंगी। हां ठीक है, मैं अपने आप चला लूंगी। गिर तो ना जाएगी? धीरे-धीरे चला के ले जा। हां धीरे-धीरे। सुमंत बता दे मम्मी को। हां तो वीडियो। हां तो बता देना। मामा की वीडियो चल रही है तो हमारे ऑफिस में सीख ना पाते। मैंने कही ना माना रोटी को लोग हम सुमंत को बैठा रही है पीछे। सुमंत को पीछे ना है, सुमंत ने बैठा रही अकेली। स्टार्ट हो गई। चल धीरे धीरे छोड़ना। तुम मतलब साधेंगे ना थोड़ी देर में। चल चलो अब रेस ना ले। स्कूटी चलाई मैंने, अच्छा लगा, लेकिन डर भी लगा। हिना के पापा के साथ में थोड़ा डर लगता है चला लेने। अब हिना और सुमंत सीख रहे हैं दोनों। सुमंत तो चला लेता है, हिना को सिखा रहा है, क्योंकि कभी कभी स्कूल जाना पड़े तो हिना अकेली चली जाए स्कूल को। स्कूल चला लेती है, मुझसे अच्छी चला लेती है। हिना तो गई चला के ले गई। मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि पीछे बैठे रहने तो हॉपलेस करते हैं, ये कर वो कर ऐसे करके। मौसम बहुत अच्छा है, देखिए मेरे पीछे बारिश हो गई थी तो एकदम हरियाली हरियाली है और ठंडा भी है इस समय। हवा तो नहीं चल रही है लेकिन ठंडा मौसम है। एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये इधर भैया है, एक अपनी भैंस चरा रहे हैं, ये इनसे बात करने के लिए चले गए। भैंस ऐसे चराते हैं, भैंस हरियाली हो जाती है ना तो भैंस घास खाने के लिए चारों तरफ दिख रही होंगी आपको। राजस्थान में जाओ तो बकरी भेड़ बकरी दिखती हैं हमारे यहाँ, भैंस गाय। ये चला के अच्छी चला लेती है ना स्कूटी, मुझसे अच्छी चला रही है। फौज की भर्ती के लिए। वाह और फास्ट फास्ट। अरे बस यहीं तक। अरे चला चल तो ठीक है, करने दे एक बार स्टार्ट खुद कर। चावल चढ़ चुके हैं। ये है किचन वाला सौदा। चावल चढ़ चुके हैं, चालू है। अब पेट्रोल पी रही है वो, चलाओ। अच्छा चालू है। नहीं पेट्रोल कर नहीं पी रही, बैठी। हाँ स्टार्ट धीरे धीरे छोड़नी है, ठीक है ना, जैसे अभी चलाई। पैर नहीं टिक रहे सुमंत के, ठीक है तेरे ही है। थोड़ी सी देर से लेना और आना। हाँ
पैरों से चलाती है, पहले पैरों से साइकिल समझ रखी है। आ गई वापस लेकर के, अपने आप अब बताएगी, अपने आप मोड़ करके लाई थी, कैसे लाई थी। हट जा हट जा हट जा हट जाओ, बस गिरेंगे, दोनों गिरेंगे। कितने अच्छी चलाई पता, हम सीख जाएंगे। कैसे पैरों से चलाती, अंगूठा टेक लिया था बस वहां पे जाके रोकते ही, और यो 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 पहले यो करती है। हम डांस बन तो सीख जाऊंगे, तो इसने तो अच्छा चलाया। चलिए दोस्तों, मैं सिखाती हूँ, बताती हूँ स्कूटी कैसे चलाते हैं। मैंने सुमंत से सीखी है, सुमंत ने मुझे सिखाया है, मैं आपको सिखाऊँ बताऊँ। एक बार कमेंट करके बताना सही चला रही हूँ या गलत। पहले चाबी ऑन करते हैं, ऑन है मेरी, और वो क्या है, वो ब्रेक है। अच्छा, और ये, ये तो वो है हॉर्न। अच्छा, ये इंडिकेटर, ठीक है, ये लाइट, ये लाइट अप डाउन, और ये स्टार्ट वाला है। तो करना स्टार्ट, थोड़ा सा आगे ले लो, फिर ब्रेक मार लेना, बस मार लो ब्रेक, बस मार लो, मार लो ब्रेक। ऐसी ना भागूंगी से तो चला लूंगी। शाबाश शाबाश, मार लो ब्रेक, पैर टेक लो, बस ऐसी। और जिधर की साइड में झुकानी है ना, उधर का ही पैर टेकना है, फिर ये ना है कि दोनों, ठीक है ना। अब ऐसे सीख जाएगी। हाँ, अपनी लेन कौन सी होती है ना, हाँ। लेकिन दूसरी पे रोका था, लेन पे सब रोका था, सही लाइन समझ नहीं आता। लेन अपनी वाली पता है ना, इधर जाओ तो ये सीधे हाथ, इधर आओ तो वो है सीधा हाथ। हाँ, सीधा हाथ होना चाहिए, सीधा हाथ, इधर सीधा हाथ आएगा, मतलब इधर जाएं तो सीधा हाथ, पागल उल्टे हाथ पर होती है, ठीक है, हमेशा उल्टे हाथ पर इंडिया में। नहीं तो हम ऐसे जाएंगे तो ये आ रहा ना सीधा हाथ हमारा, तो इधर जानी है हमें, तो सीधे पे थोड़ी चल रही, तो हम इधर थोड़ी जाएंगे, इधर जाएंगे ये बच्चे जो साइकिल पड़ी है, मतलब सीधा हाथ हमें रोड की तरफ आना चाहिए। हाँ, ठीक है ना, अब जैसे कर दूं, कर दे। कैसी लगी वैसे चलाने में, नहीं तो अच्छी लगती है, ऐसा लगता चलाते ही रहो चलाते ही रहो। ये रोड है, ये बाइक और स्कूटी चलाने के लिए ठीक है, इस पर गाड़ी नहीं चला सकता, गाड़ी आएगी, गाड़ी चला तो लेंगे, लेकिन वो गियर समझ में ना आते, गियर वो आ जाएंगे, वो आसान है गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना आसान है। अब यहाँ से तो अकेली लेके जाना, मैं आगे मिलूंगा, ठीक है। बहुत गर्मी है, गर्मी तो बहुत है। इस बार ला रही है रोड पर नीतू अकेली स्कूटी को, और चली आ रही है, शायद अकेली है, सुमंत बैठा है वो मेरे को पता नहीं है, साथ में वैसे लाइट दिख रही है जलती हुई, धीरे 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 ला रही है। मैंने यहाँ तक का टारगेट दिया है 1.5 किलोमीटर, मैं अपनी बाइक ला करके रुक गया हूँ यहाँ पर, देखिए बाइक खड़ी कर दी है मैंने अपनी यहाँ पर, तो मैंने बोला तू आ जाए एक बार अकेली, तो धीरे धीरे इसी प्रकार से 4-6 दिन के अंदर हाथ लगेगी, अकेली ला रही है इस बार तो। हाँ, वाह, पीछे, अच्छा वो लड़के आ रहे थे पीछे दौड़ते हुए, तो उसके कारण उसने शायद रोक ली होगी कहीं पर, अकेली जा रही है, वो बच्चे भी आ गए हमारे भी पीछे से दौड़ते हुए। शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही सीख जाएगी, ले जाना आगे तक और थोड़ा सा, है ना, वाह वेरी गुड, बस रोक लो, सही। अब कैसा रहा एक्सपीरियंस, अच्छा रहा, 1-2 दिन चलाऊंगी सही आ जाएगी, आ जाएगी ऐसी 2-4 किलोमीटर चल, ठीक है अपना। एक बार बंद भी की बीच में ना? अच्छा, थोड़ी स्लो करी ना। अच्छा, जो कह देगी इतनी तेज चला रही, चला के जाऊंगा स्लो स्लो लाई, चलो ठीक है, था चलो बेटा हम चले, तुम आ जाइयो अब, जी जी ले आवेगी चला के। दोस्तों स्कूटी सीख के हम आ गए, काफी अच्छा लगा हमको,
पुआ, आज हमारे घर आए हैं पुआ। एक दावत थी वहाँ हम गए थे खाने के लिए और फिर बाद में बुआ जी को मिले पुआ। पुआ सब्जी किसको अच्छी लगती है एक बार बताना, किस किसने खाए हैं ये पुआ सब्जी। दोस्तों हम स्कूटी चलाने गए थे तो शाम को, क्योंकि हमको खाना बनाना कम था थोड़ा, बस हिना के लिए बनाऊंगी, हिना नहीं गई थी दावत खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो स्कूटी चलाने चलते हैं। आज बहुत गर्मी थी घर पे, बाहर थोड़ा अच्छा लगेगा, तो स्कूटी चला के आ गए और घर पे रखे मिले हमको पुआ। बुआ जी बाद में आई थी खाना खा के, तो पुआ लेके आई। फिर अब कुछ थोड़ी सी एक आलू की सब्जी बना लूँ, चिप्स वाली सब्जी काट लेती हूँ तो खा ली। चार रोटी डाल दूँगी, तीन चार इतनी बोलते हैं, गर्मी बहुत है किचन में भी गर्मी है। हाँ समझ नहीं, टिफन नहीं काट दे बेटा अपने, बर्तन साफ करूंगी। दोस्तों मैं बना रही हूँ आलू चिप्स की सब्जी, बारीक बारीक आलू काटे हैं, जैसे जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना वो वाले आलू हैं, ऐसे पतले पतले काट के सूखी सब्जी चिप्स की बनाई है, अच्छी लगती है खाने में। दोस्तों मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, कुछ इस प्रकार की है सब्जी, टेस्ट करके देख। अब ये सब्जी नहीं अच्छी लग रही है इन सबको, ये पुआ के साथ में जो सब्जी आती है ना आलू की सब्जी, ये सब्जी आ गई है पुआ वाली। अब ये इसी सब्जी से, ये सब्जी पुआ वाली सब्जी है, इससे पुआ खाते हैं जब, मैंने अभी पुआ दिखाए थे, और ये खीर और ये पुआ, ये पुआ जो सब्जी से खाते हैं हमारे यहाँ, इसी प्रकार से दावत होती है खीर पुआ सब्जी की। तो अब ये मेरी वाली सब्जी अब कोई नहीं खा रहा, कोई इस सब्जी को नहीं खा रहे ना। अब ये कहाँ अच्छी लगेगी पुआ खीर के आगे। अब खीर पुआ चल रहा है इन सब के, हमारे यहाँ खीर पुआ की दावत होती है। दोस्तों किस किस को पसंद है एक बार कमेंट करके बताना, किस किस ने ये खाए हैं, शायद राजस्थान में तो नहीं खाए होंगे किसी ने। दोस्तों मेरा खाना कोई नहीं खा रहा, सब लोग पुआ सब्जी खीर खा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, हम गए थे स्कूटी चलाने और आके मैंने खाना भी बनाया और फिर कोई नहीं खा रहा, मेरी मेहनत बेकार गई, रोटी भी बनाई सब्जी भी बनाई कोई नहीं खा रहा, अब सब पुआ सब्जी खीर खा रहा है, दिखाने गई पीछे बैठ के तीनों खा रहा है। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके बताना, किस किस ने पुआ सब्जी खीर खाई है। राजस्थान में तो शायद ना होती होगी ये, हमारे यहाँ जैसे ये पुआ सब्जी आलू की सब्जी होती है, पुआ मीठे पुआ होते हैं और खीर होती है दावत में, राजस्थान में नहीं खाई होगी, एक बार बताना भाई खाई है या नहीं खाई है, होती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।